सो गाइस दिस कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाई है काइन मास्टर के अंदर आप ट्रेंडिंग ग्लोइंग लिरिक्स स्टेटस वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना और जल्दी से हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ काइन मास्टर पर। तो काइन मास्टर पर आने के बाद सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू क्यूब पर क्लिक करना है और उसके बाद आप यहां से कोई भी एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक जिस भी एस्पेक्ट रेशियो में आप लिरिक्स स्टेटस वीडियो बनना चाहते हो, तो मैंने 16:9 को सिलेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है और सबसे पहले क्या करना है आपको इमेज के ऊपर क्लिक करना है। ये जो मिलता है इमेज आप इस पर क्लिक करेंगी और यहाँ से ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड ऐड कर लेना। सो मैंने ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड ऐड कर लिया, आप देख सकते हो। और मैं अपने फ़ोन का जो ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। सो उसके बाद आपको इसको ना पे क्रॉस आइकन मिलता है राइट साइड के कॉर्नर पर, इस पर क्लिक करना है और आपका बैकग्राउंड आ जाएगा काइन मास्टर के अंदर। अभी क्या करना है, इस बैकग्राउंड का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको आपको बड़ा कर लेना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लाइक जितनी सेकंड का आप लिरिक्स स्टेटस वीडियो बनना चाहते हो या जितनी मिनट का। और उसके बाद क्या करना है आपको अपना जो सॉन्ग है सबसे पहले उसको ऐड कर लेना है। तो सॉन्ग को ऐड करने के लिए आपको ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से फोल्डर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद जिस भी फोल्डर के अंदर आपका सॉन्ग रखा हुआ है उस सॉन्ग को आप ऐड कर लेना। तो मैं यहाँ से अपना एक सॉन्ग ऐड कर लेता हूँ, लाइक की वाला सॉन्ग ऐड कर लेते ही। तो सॉन्ग को मैंने ऐड कर लिया, उसके बाद आप इसको ना पे क्रॉस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सॉन्ग आ जाएगा। सबसे पहले सॉन्ग को प्ले करना है और प्ले करके आपको देख लेना है कि आपका सॉन्ग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो इसका एक्स्ट्रा पार्ट हम कट कर लेंगे और ये हमने जो सॉन्ग को आप देख सकते हो ऐड कर लिया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दो इमेज ऐड करना है। दोनों इमेज का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना इमेज ऐड कर लेना है। सबसे पहले ये वाला इमेज ऐड कर लेती। सो दोनों इमेज का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको इसे क्रॉप कर लेना, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको आप यहाँ तक क्रॉप कर लेना, ठीक है। एंड उसके बाद कर देना डन। सो अभी आपको क्या करना है, इसे बड़ा कर लेना है कुछ इस तरीके से और बड़ा करके आप इसे यहाँ पर सेट कर लेना, ठीक है। सो लाइक यहाँ पर सेट कर लेते एंड उसके बाद कर देना है डन। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है बैकग्राउंड के साथ एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। सो टाइम को थोड़ा जूम कर लेते हैं हम, ओके। एंड उसके बाद अगेन लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपना जो इमेज है जो सेकेंड इमेज उसको ऐड कर लेना। तो इसको ऐड कर लिया और इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पर सेट कर लेते और उसके बाद कर देना है डन, ठीक है। सुपर वाला जो इमेज थोड़ा बड़ा कर लेते और यहाँ पर सेट कर लेते, ओके। तो ये सेट हो चुका है, इसे थोड़ा और बड़ा कर लेते, ओके। सो अभी काफ़ी सही है एंड उसके बाद कर देना है डन। इसका टाइमलाइन आपको बैकग्राउंड के साथ एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। सो अभी क्या करना है आपको अपने जो सॉन्ग है उसको लिख लेना है, सॉन्ग का लिरिक्स लिख लेना है। तो यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है, टेक्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपका सॉन्ग का लिरिक्स है उसको आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो मैं टाइप कर लेता हूँ। सो कुछ इस तरीके से आपको अपने सॉन्ग का जो लिरिक्स है उसको टाइप कर लेना है। सो मैं अपने सॉन्ग का जो सबसे पहला लाइन उसको टाइप कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैंने जो आप देख सकते हो टाइप कर लिया। उसका ओके में प्रेस करना है और इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है, यहाँ पर सेट कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है आपको ये जो फॉन्ट का ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप एक फॉन्ट अप्लाई कर लेना। सो मैं यहाँ से इसको अप्लाई करता हूँ एंड उसके बाद कर देना है डन। सो फॉन्ट आ चुका है, इसे आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। और यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, टेक्स्ट ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करना है और इसका जो कैरेक्टर है थोड़ा आपको इंक्रीज कर लेना है। लाइक कुछ इतना इंक्रीज कर लेना है और उसके बाद कर देंगे डन। और इसे हम यहाँ पर थोड़ा नीचे सेट करेंगे, लाइक यहाँ पर, ओके। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन उसको आपको कम कर लेना है, कम करके अराउंड 1.5 सेकेंड के अराउंड कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है आपको इन एनिमेशन पर क्लिक करना है, फेड को अप्लाई करना है, बैक आ जाना है, आ जाना आपको सीधा आउट एनिमेशन पर और अगेन फेड को अप्लाई कर लेना है, उसके बाद कर देना है डन। सो यहाँ पर हमारे सॉन्ग का जो सबसे पहला लाइन वो आ चुका है। और अभी आपको क्या करना है, इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और लेफ्ट साइड के कोना पर 3 डॉट मिलते हैं इस पर क्लिक करना है एंड इसको डुप्लीकेट कर लेना है। और उसके बाद आप इसे ड्रैग करके आगे लेके आ जाना और आपको क्या करना है, इसी लाइन को आपको एडिट कर लेना है। सो आपको एडिट मिलता है इस कोना पर, इस पर क्लिक करेंगे एंड इसको रिमूव कर लेना है। रिमूव करके जो भी आपके सॉन्ग का नेक्स्ट लाइन वो आप टाइप करेंगे। सो मैं टाइप कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से अपने सॉन्ग का नेक्स्ट लाइन, ठीक है। सो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको भी टाइप कर लेना है। उसके बाद ओके मैं प्रेस करना है तो नेक्स्ट लाइन आ चुका है। सो आपको क्या करना है, सो मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ।
सो ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो लिरिक्स स्क्रीन पर आ रहा है। तो बाद में हम इसके अंदर ग्लो वगैरह सारा चीज़ ऐड करेंगे। सबसे पहले हम जो लिरिक्स लिखना है कम्प्लीट कर लेते हैं। सो आपको अगेन इसको सिलेक्ट करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, डुप्लीकेट कर लेना है और इसे आप ड्रैग करके अगर लेके आ जाना कुछ इस तरीके से, और अगेन एडिट पर क्लिक करके आप इसे एडिट कर लेंगे, ठीक है। सो अगेन आपको अपनी सॉन्ग का जो नेक्स्ट लाइन इसको टाइप कर लेना है। सो मैं कुछ इस तरीके से टाइप कर लेता हूँ एंड ये आप देख सकते हो मैंने जो है नेक्स्ट लाइन भी टाइप कर लिया। ओके उसका ओके में प्रेस करना है। अगेन क्या करना है, इसे डुप्लीकेट कर लेना है और इसे ड्रैग करके अगर लेके आ जाना है, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको अपनी सॉन्ग का पूरा लिरिक्स लिख लेना है। तो मैं जल्दी से अपनी सॉन्ग का पूरा लिरिक्स लिख लेता हूँ। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैंने अपनी सॉन्ग का पूरा लिरिक्स लिख लिया। उसके बाद ओके में प्रेस करना है एंड यहाँ पर मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो मैंने कुछ इस तरीके से अपनी सॉन्ग का लिरिक्स लिखा हूँ, तो आप भी कुछ इस तरीके से अपनी सॉन्ग का लिरिक्स सबसे पहले लिख लेंगे। ओके उसके बाद क्या करना है, आपको इसे सेव कर लेना है। सो आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे और इसे आप यहाँ से 1080p रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेम रेट आप यहाँ से 30 सिलेक्ट कर लेना। सेव एज वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप इसे अपनी गैलरी पर सेव कर लेंगे। अब इसके अंदर ग्लो और रेनड्रॉप इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा एक और एप्लीकेशन का, जिसका नाम है नोट वीडियो एडिटर। सो उस एप्लीकेशन का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो अब इस हमें जो है सीधा नोट वीडियो एडिटर को ओपन कर लेना है। ओके गाइस, तो नोट वीडियो एडिटर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए आपको मिलता है। यहाँ पर आपको न्यू का ऑप्शन मिलेगा, न्यू पर आपको क्लिक करना है और न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक प्लस आइकन मिलता है ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से मीडिया सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप वीडियो पर क्लिक करेंगे और वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जो लिरिक्स वीडियो आपने काइनमास्टर के अंदर क्रिएट किया वो आपको ऐड कर लेना है। सो आप अपना जो लिरिक्स वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका लिरिक्स आ जाएगा। सो यहाँ से आप इसे प्ले करके प्रीव्यू कर सकते हो एंड यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर हमारा लिरिक्स और सारा पिक्चर वगैरह भी आ चुका है। तो अभी आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ एक प्लस आइकन मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो वाला प्लस आइकन, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एसेट स्टोर, आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला जो लाइन इसके अंदर ग्लो स्कैन, आप ग्लो स्कैन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ग्लो इफेक्ट आ जाएगा आपके हर एक चीज़ों पर। तो अभी क्या करना है, ग्लो का कलर चेंज करना है। तो आपको यहाँ पर ये जो व्हाइट एरिया दिखाई दे रहा है, सो ये जो जगह मिलती है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जिस भी कलर का ग्लो आप ऐड करना चाहते हो, सो अपनी टेक्स्ट पर और अपनी पिक्चर पर उस कलर को आप सिलेक्ट कर लेना। सो मैंने रेड को सिलेक्ट कर लिया एंड ये जो आपको साइड में यस का लाइन मिलता है, इसे आप रेड कलर पर लेके जाएंगे। सो इस तरीके से स्लाइड करेंगे तो ये रेड पर आ जाएगा एंड रेड पर आने के बाद आप देख सकते हो हमारी पिक्चर और टेक्स्ट पर ग्लो आ चुका है रेड कलर का। और यहाँ पर आप देख लेना कि ग्लो कलर रेड सिलेक्ट है या नहीं एंड उसके बाद आप यहाँ पर किसी भी जगह पर टैप करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पर ग्लो आ चुका है। और अभी क्या करना है, आपको यहाँ पर ये जो प्लास्टिक मिलता है इस पर अगेन क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा एसेट स्टोर, आप इस पर क्लिक करेंगे अगेन और नीचे आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रेनड्रॉप्स नाम का, जो कि ये रहा, सो आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ब्लर। सो आपको इसे क्या करना है, ब्लर को सिलेक्ट करके और इसका जो अमाउंट इस तरीके से आप नीचे की तरफ लेके आ जाइए तो ये ज़ीरो हो जाएगा और उसके बाद आपके टेक्स्ट पर इस तरीके से रेनड्रॉप इफेक्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे टेक्स्ट पर रेनड्रॉप आ चुका है। सो इसको हम रिमूव कर लेते हैं यहाँ पर क्लिक करके। सो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर स्टार्टिंग से आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। सो यहाँ से मैं प्ले करता हूँ एंड प्ले करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो बन के तैयार हो चुका है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो है, जब मैंने वीडियो को प्ले किया आप देख सकते हो लैग दिखा रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट करने के बाद ये चीज़ें जो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप ट्रेंडिंग लिरिक्स वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो अभी हमें क्या करना है, अपना जो वीडियो उसको सेव कर लेना है। तो इसके लिए आपको ये जो आइकन मिलता है यहाँ पर लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर होम बटन की साइड पर, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप जो 720p सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ से 1080p सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से आप FPS अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो इसके ऊपर क्लिक करके, ठीक है। और यहाँ से आप हाई से अपना जो क्वालिटी सिलेक्ट कर लेना, लाइक वेरी हाई सिलेक्ट कर लेते। और यहाँ पर आपको ये जो ग्रीन आइकन मिलता है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो लिरिक्स स्टेटस वीडियो है सीधा आपके डिवाइस के अंदर सेव हो जाएगा। सो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।